अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पर दानिश पेट्स चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जो लेकर आया हूँ वो साइबेरियन हस्की होम ब्रीड है और मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे बहुत अच्छे अजीज़, मेरे भाई, उन्होंने दानिश पेट्स के साथ अपने पेट्स को शेयर किया और अपने जो उन्होंने ब्रीड की हुई है साइबेरियन हस्की के जो पपीज़ हैं, और हमें मौका दिया कि हम अपने प्लेटफॉर्म, अपने चैनल के थ्रू ये वीडियो में उनकी ब्रीड्स को दिखा सके। और फ्रेंड्स, ये आ गया है पपीज़ का फादर एंड मदर, और ये मेल जो है आप देख रहे हैं, ये आपके सामने आ गया। क्या कोड है यार, क्या ये जेट ब्लैक है, बिल्कुल जेट ब्लैक कलर, तो ब्लैक एंड वाइट ब्लू आइज़ में ये आप देख रहे हैं। ये बच्चों का, ये पपी का फादर है और प्रॉपर वुली कोड है। और फ्रेंड्स, ये फीमेल आ गई है, फीमेल ने शेड किया है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो ब्रीडर्स हैं, जो डॉग लवर्स हैं और जिनकी रिसर्च है, वो जानते हैं कि जब फीमेल पपी, जब पपीज़ यानी कि पपीज़ उसके जब आते हैं और सीजनली वो शेड करती है, तो फीमेल जो है पपीज़ की जो मदर है वो उसने शेड किया हुआ है, उसके बाल जो है सीज़न, और प्लस उसने जो पपीज़ के बाद जो है वो शेड चेंज कर रही है, वो फीमेल जो है वो भी वुली कोड है। दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फीमेल जो है, जिस तरह मेल का जो हेयर है उसके लॉन्ग हेयर है, इसी तरह फीमेल के भी लॉन्ग हेयर हैं, लेकिन अभी वो शेड कर चुकी हुई है और उसके बाल आगे सर्दियों में वो फिर से बाल उसके आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी पपीज़ आप देख रहे हैं, जो बच्चे माशाल्लाह मेरे दोस्त के जो बच्चे हैं वो पपीज़ गोद में उन्होंने उठाया हुआ है, और जो मेरे दोस्त हैं जो ये डॉग ऑनर्स हैं वो खुद एक डॉग लवर हैं और उन्होंने बहुत बहुत प्यार से ये अपने पेट्स को रखा है। और इनकी फूड के हवाले से मेरी उनसे बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि हम लोग रॉयल कैनल यूज़ करते हैं और पपीज़ को जो है होममेड पी फूड दे रहे हैं और रॉयल कैनल भी दे रहे हैं, और पपीज़ नज़र आ रहे हैं। आप पप्स को देखो, पपीज़ को देखो, तो वो नज़र आ रहे हैं, वो हेल्दी हैं और साफ़ सुथरे हैं, और एक साफ़ सुथरी जगह पर उन्हें, उनका एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के जो पप्स होते हैं साइबेरियन हस्की में, जो होम ब्रीड होती है और जो अच्छे हेल्दी होते हैं और उनको फूड अच्छा दिया होता है, उनकी वैक्सीनेशन का ख्याल रखा होता है, तो फ्रेंड्स इस तरह की अच्छी ब्रीड्स मिलने का मौका बार बार नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, ये ब्लू आइज़ हैं और वुली कोड है और पंच फेस है, और मुझे खुद ये बहुत अच्छे पपीज़ लगे हैं। मैं फ्रेंड्स, जो लोग लेना चाहते हैं, चाहे क्वेटा हो, चाहे लाइक पाकिस्तान में कोई भी सिटी हो, आप दानिश पेट्स से डील कर सकते हैं, और दानिश पेट्स आपको कार्गो की सर्विस भी देगा। मैं अपने हर वीडियो में आपसे ये बात शेयर करता हूँ कि आप लोगों को कार्गो भी हम लोग सर्विस देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत क्यूट पपीज़ हैं, ये तकरीबन 7 से 8-9 पपीज़ जो हैं ये फीमेल ने ब्रीड की है, और मेल जो है वो बहुत ही, वो यार मेल की तो जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है दोस्तों। तो अब पपीज़ जो हैं वो इस बात का सीधा सीधा सबूत देते हैं कि जो ब्लड लाइन है इसके पपीज़ की, जो फादर की ब्लड लाइन है वो लाजवाब है, और जो मदर जो है वो भी, उसकी हाइट देखें और प्रॉपर उसकी टेल देखें, और पपीज़ को देखें तो पपीज़ वुली कोड हैं और ब्लैक, जेट ब्लैक है। जेट ब्लैक बहुत कम हस्की में आपको मिलेगा, ये जेट ब्लैक कलर है। और इसकी जो पपीज़ की, अगर फ्रेंड्स आप पपीज़ को उसका फेस देखें तो इनकी मार्किंग बहुत अच्छी है, जो हस्की की मार्किंग होती है वो एक्चुअल में, आप जो पपीज़ ये देख रहे हैं ये प्रॉपर मार्किंग है, ब्लू आइज़ है और जेट ब्लैक है। फ्रेंड्स, मैं फिर से बोलूँगा कि जेट ब्लैक कलर जो होता है वो पाकिस्तान में हस्की में बहुत कम अवेलेबल है, पाकिस्तान के अंदर कम है, क्वांटिटी उसकी बहुत कम है। और जहाँ तक बात की जाए पपीज़ की, जो ग्रो कर रहे हैं पपीज़ ओनर के पास, डॉग ओनर के पास, मैं डॉग ओनर को सारा क्रेडिट्स जाता है, वो वाकई डॉग लवर्स हैं, और पपीज़ का जो फूड है
और जो उनकी जो ग्रूमिंग मेरी बात हुई थी वो डॉग ओनर्स मुझे बता रहे थे कि मैं हम लोग एक दिन छोड़ के जो है इसका इसकी ग्रूमिंग कर रहे हैं बच्चों की, और इसके फादर मदर जितने भी उनके पास पेट्स हैं वो उसकी उनकी ग्रूमिंग का बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी मेडिसिन का ख्याल, और प्रॉपर उन्होंने एक डॉक्टर रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मेरी नज़र में ब्रीड करवाना कोई इजी काम नहीं है। एक ब्रीडर्स जो होते हैं, डॉग लवर्स होते हैं, उनकी बड़ी मेहनत होती है। और जब पपीज़ वन डे के होते हैं या 3-5 डेज़ के होते हैं, आप यकीन माने 1 मंथ तक पपीज़ का जो डॉग्स ऑनर होते हैं उन्हें टाइम देना होता है, उन्हें फीमेल के साथ हर 2 घंटे के बाद देखना उन्हें पड़ता है, और वो फीडिंग करवाते हैं खुद बैठ के। फ्रेंड्स, ये आप देखें, ये जो फादर है पपीज़ का, ये मदर है, और बहुत आला यार। और पपीज़ जो आपको नज़र आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कितने क्यूट हैं। तो फ्रेंड्स, ये अवेलेबल हैं और आप इन्हें बाय कर सकते हैं। जो लोग शौक रखते हैं, जो लोग डॉग लवर हैं, वो हमारी जो वीडियो पर अगर आ चुके हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी डील रहेगी, और बहुत हेल्दी और अच्छे पपीज़ हैं और होम ब्रीड है, और जो ओनर हैं वो फीमेल मेल उसकी वैक्सीनेशन, उसकी मेडिसिन और हर एक चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। उसकी वजह ये होती है, जब एक आप मेल और फीमेल के मेडिकली पॉइंट ऑफ से, उसके फूड के लिहाज से, हर चीज़ का ख्याल रखेंगे, जो आगे बच्चे ब्रीड करते हैं उनकी वैक्सीनेशन की जो टाइमिंग के मुताबिक वैक्सीनेशन दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आप यकीन माने, जब पपीज़ न्यू होम में जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, तो वो वहाँ पर अच्छे ग्रो होते हैं, अच्छी हेल्थ रहती है उनकी, और जो न्यू ओनर्स होते हैं उन्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो फ्रेंड्स, पपीज़ अवेलेबल हैं, मेल एंड फीमेल दोनों अवेलेबल हैं, और बहुत बहुत क्यूट है, और मुझे वीडियो में देखकर मेरा दिल कर रहा है कि मैं भाई के पास जाऊं और उठाऊं और उनकी तारीफ़ करूं कि उन्होंने इतना अच्छा जो ब्रीड करवाया है, और यकीनन उनकी मेहनत है। और फ्रेंड्स, ये ब्लू आइज़ हैं, और मेल का अगर आप कोट देखें, ये ब्लैक है, ब्लैक एंड वाइट है, ब्लू आइज़ है, और पपीज़ जो हैं वो भी बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये अवेलेबल हैं। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी दानिश पेट से साइबेरियन हस्की ले चुके हुए हैं, जर्मन शेपर्ड, लैब, और भी तरह तरह की ब्रीड्स जो है दानिश पेट्स ने डील करवाई है डॉग ओनर्स के साथ। तो फ्रेंड्स, आप जो साइबेरियन हस्की का बहुत डिमांड थी दानिश पेट्स पे, और बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट चाहिए, ब्लू आइज़ चाहिए, और कुछ लोग जो लाइट कलर्स पसंद करते हैं लाइक वाइट एंड ग्रे एंड ब्राउन कॉपर कलर, हस्की में काफ़ी कलर्स हैं। तो फ्रेंड्स, जो ब्लैक एंड वाइट पप्स लेना चाह रहे हैं तो फ्रेंड्स उनके लिए अवेलेबल है। और दानिश पेट्स जो है अपने वीडियो में, अपने चैनल्स में, आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों की हेल्प, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप लोग चैनल को अपने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखें, ये मेरी मेहनत के साथ साथ आप लोगों की भी मेहनत है। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उन्हें सलूट करता हूँ, और उन लोगों का मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना, नीचे कमेंट करना। तो फ्रेंड्स, याद रखें, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की शेयरिंग, आप लोगों का सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ये सब क्रेडिट्स मेरे सब्सक्राइबर को जाता है, और जो आने वाले सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी वेलकम, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।